Good afternoon, students. How are you all? I hope you all are fine. So, today we explain your English textbook, chapter 1, part 2. आज हम लोग बच्चों आपके जो सेम टू है इंग्लिश टेक्स्ट बुक्स के उसके जो पार्ट चैप्टर 1 के पार्ट 2 एक्सप्लेन करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था एक बहुत मजेदार स्टोरी थी और उसमें से एक ह्यूमन जो नॉलेज है उसको मिला था टॉम को। तो ये एक टॉम सायर की स्टोरी थी जिसमें टॉम सायर एक चीज को पेंट करने के लिए उसको काम मिलता है और पॉली उसको काम देते हैं। उसके बाद जब वो काम कर रहे हैं एंड पॉली का काम कर रहे हैं तब उसको ऐसा लगता है कि एक बहुत अच्छा समर है जहाँ पे वो जाके एंजॉय कर सकते हैं रिवर में और जो है वहाँ पे कुछ अपने दोस्तों के साथ टाइम बिता सकते हैं। लेकिन उस टाइम उसको काम करना पड़ा तो उसको बहुत बोरिंग लग रहा है लेकिन क्या करे उसको काम तो करना ही था। इसलिए वो जो है पहले अच्छे से उसने कहा केविन थोड़ा सा उसका काम कर ले लेकिन उसने नहीं किया। उसके बाद जो है उन्होंने एक ऐसा तरीका अपनाया वो अपने काम में ध्यान लगा लगा ताकि लोगों को लगे कि इस काम में बहुत इंटरेस्ट है और वो देखते लोग आ गया है और खुद वो काम करने लगा और इसके बदले में जितने भी बच्चे को दूसरे बच्चे को जो चीज़ें वो उसको मिल जाए और वो आराम से बैठ सकर अपना टाइम इंजॉय कर सके। एक ह्यूमन साइकोलॉजी उसने सीखा था। आज के बाद इसकी जो एक्टिविटी है वो हम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी 3। रीड द सेंटेंसेस। देयर आर सेंटेंसेस इन द स्टोरी दैट हैव द सेम आइडिया। वर्क विद अ पार्टनर और फाइंड एंड अंडरलाइन देम। फर्स्ट ये वाक्य को पढ़ना है और ये वाक्य में ये जो स्टोरी है उसमें सेम आइडिया दिया गया है। तो सेम आइडिया दिया गया है उसमें जो पार्टनर है उसके साथ अंडरलाइन करना है। फर्स्ट टॉम शोड अप ऑन द साइडवॉक विद अ बकेट ऑफ व्हाइट वॉश एंड लॉन्ग हैंडल ब्रश। टॉम शोड ऑन द साइडवॉक विद अ बकेट व्हाइट वॉश एंड लॉन्ग हैंडल ब्रश। व्हाइट वॉश जो है वो नहीं होगा क्योंकि वो फेंस को पेंट करना चाहता था। ये पेंटर होगा पेंट होगा। व्हाइट वॉश हम कहाँ पे करते हैं ना, व्हाइट वॉश हम घर पे करते हैं। और जो हैंडल था वो शॉर्ट था। टॉम एंड हक वुड हैव गॉन स्विमिंग इट विन बीन वर्किंग। टॉम एंड बेन वुड गॉन हैव गॉन स्विमिंग एंड वर्किंग। व्हेन थिंग्स सीम डार्केस्ट टॉम थॉट एन आइडिया सॉल्व हिज प्रॉब्लम। व्हेन थिंग्स सीम्ड यहाँ पे डार्केस्ट में अंडरलाइन होगा आइडिया जो टॉम को जो प्रॉब्लम सॉल्व करना था। टॉम रिज्यूम हिज वाइट वॉशिंग। टॉम रिज्यूम हिज पेंटिंग। वाइट वॉशिंग से जगह क्या आएगा पेंटिंग। टॉम सीम टू गिव अप द ब्रश इट रिलक्टेंस एंड बीज एक्चुअली क्वाइट हैप्पी। टॉम गिव अप द ब्रश रीच क्वाइट लेट अस से क्वाइट बट ही वाज एक्चुअली क्वाइट सैड। हैप्पी की जगह सैड आएगा। If he did not run out of white wash, if he had run out of painting, he would have bang perfect every boy in the village. He would have all things every boy in the village. ठीक है, ये जो मैंने explain किया जहाँ जहाँ मैंने किया वहाँ पे आप लोगों को ये सब words लिखे। हम लोग activity 4 देखेंगे। एक्टिविटी 4। हु वॉज द फर्स्ट बॉय टू टेक ओवर टॉम्स पेंटिंग। कौन सा वो लड़का था जो टॉम्स की पेंटिंग को देखा था पहला। इमेजिन यू आर द बॉय यू एंजॉय द पेंटिंग वेरी मच गो होम एंड टेल यू सिस्टर्स अबाउट पेंटिंग। मानो कि तुम अगर वो बच्चे हो पहले बेन देखा था पहले तुम अगर वो बच्चे हो और जो तुम तुम घर पे मतलब जाके अपनी बहन को टॉम की पेंटिंग के बारे में बोल रहे हो तुमको उसका पेंटिंग अच्छा लगा। लाइक द स्टोरी दैट यू वुड टेल योर सिस्टर इंक्लूड मेनी डिटेल्स मेक योर राइटिंग इंटरेस्टिंग। तुम इस स्टोरी में और भी बहुत कुछ जो है इंक्लूड कर सकते हो ताकि उसको और भी अच्छा इंटरेस्ट लगे। बढ़ा चढ़ा के बोलना मतलब
फॉर एग्जाम्पल हाउ डिड ही द पेन फील व्हेन यू डिप्ड इन द ब्रश, कैसा वो फील कर रहा था जब वो ब्रश को उसमें पेंट के वो जो डब्बे है उसमें डुबो रहा था। हाउ डिड द ब्रश फील ऑन द वुडन फेंस, और जब वो वुडन फेंस पे लग रहा था लकड़ी के फेंस में तब उसमें उसको कैसा उसको महसूस हो रहा था वो सब कुछ। हाउ डिड यू फील इन द हॉट सन, तुमको क्या अच्छा लग रहा था गर्म सूर्य की रोशनी के हिसाब से। तो ये जो सब चीज़ है ये वो फील कर रहा था। ये जो कोई भी हम लोग कोई भी चीज़ देखते हैं और उसको जाकर अपने घर पे बताते हैं तब हम लोग क्या करते हैं, जब उसमें बताते हैं तो उसमें क्या करते हैं हम लोग फील करते हैं, हम वो फील करते हैं, फील करके हम लोग क्या करते हैं उसमें और भी मज़ेदार कुछ अपने मन से बताते हैं ताकि जो सुनने वाला हो उसको भी इंटरेस्ट लगे, ना इसका स्टोरी में इंटरेस्ट है, ऐसा एक एक्टिविटी दिया गया है। तो ये अगर आप लोग कर सकते हो तो बहुत अच्छा, ऐसा स्टोरी इंटरेस्टिंग के साथ कुछ बना के मुझे इसी स्टोरी में कुछ इंक्लूड करके थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के मुझे आप लोग लिख के बताना, ठीक है। देखो एक्टिविटी 5, इन द लास्ट एक्टिविटी यू वेर प्रिटेंडिंग टू बी ए कैरेक्टर इन द स्टोरी, मानो लास्ट एक्टिविटी में तुम जो है एक चरित्र इस जो है स्टोरी का एक कैरेक्टर हो। शो यू इन्वेंटेड अ स्टोरी ऑफ योर ओन, तो एक स्टोरी जो है तुम खुद उसको लिखो। योर पैराग्राफ वॉज अबाउट योर एक्सपीरियंस ऑफ पेंटिंग, एक पैराग्राफ ऐसा लिखो कि कभी अगर तुम पेंटिंग किए हो तो उसमें तुमको क्या एक्सपीरियंस मिला है। इट वॉज नॉट अबाउट स्टॉप डिस्ट्रॉइंग डिजायर बाय जैक्सन बाय मार्क ट्वेन, ये नॉट अबाउट स्ट्रॉन्ग डिजायर जैसा हो, वाई जैक्सन जैसा हो, जैसे मार्क ट्वेन ने लिखा था, दूसरा भी हो सकता है। अ सोर्स इज राइटिंग दैट यू आर राइटिंग अबाउट, एक सोर्स ऐसा है जो राइटिंग है और राइटिंग के बारे में कुछ लिखना है। व्हेन वी राइट अबाउट अ स्टोरी, अगर अब मैं अगर एक स्टोरी लिखूँ, पोएम लिखूँ, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स और एनी अदर काइंड ऑफ राइटिंग लिखूँ, वी कॉल द राइटिंग वी आर राइटिंग अबाउट सोर्स, हम लोग उसको राइटिंग और राइटिंग अबाउट द सोर्स के बारे में जान सकते हैं। इन दिस बुक वी विल लर्न द प्रॉपर वे, इस बुक में हम लोग हमारे प्रॉपर वे से एक तरीके से लिख सकते हैं, टू राइट अबाउट अदर पीपल्स राइटिंग, ऐसा कि जो अलग लोग होते हैं उसके बारे में। इन ऑर्डर अदर वर्ड्स, कुछ अलग वर्ड्स हो, वी विल लर्न टू राइट अबाउट सोर्स, जिसमें से हमको कुछ सीखना मिलेगी ताकि राइटिंग लिखने के बारे में। If your teacher or an exam ask you write about strong desire, अगर तुमको टीचर ने बोला और तुम्हारे एग्जाम में आया कि स्ट्रॉन्ग डिजायर के बारे में लिखो, वाइज एक्शन के बारे में, मार्क ट्वेन, राइटिंग वुड बी अबाउट मार्क ट्वेन स्टोरी, मार्क ट्वेन ने जैसा स्टोरी लिखा है उसके बारे में आपको कुछ लिखना है तो आप क्या करोगे, वी विल राइट अबाउट स्ट्रॉन्ग डिजायर वाइज एक्शन इन द नेक्स्ट यूनिट, तो हम क्या करेंगे इसका नेक्स्ट यूनिट बनाएंगे, पार्ट दूसरा बनाएंगे और उसमें और भी बहुत सारे चीज़ इंक्लूड करके ये स्टोरी को बढ़ाएंगे, है ना। द फॉलोइंग सेंटेंस आर फ्रॉम द स्टोरी आफ्टर 20 ईयर्स बाय ओ हेनरी, फॉर द एग्जाम्पल आफ्टर 20 ईयर्स बाय ओ हेनरी इन द सोर्स, आपको पता है आप लोगों ने लास्ट सेम वन के बुक्स है उसमें आप लोगों ने ओ हेनरी के बारे में पढ़ा था। ओ हेनरी जो है टू फ्रेंड्स की जो बात थी आपको पता है, वो हेनरी एंड आफ्टर 20 ईयर्स, जिम और जिम और चर्च के बारे में पढ़ी थी तो वो आपको मुझे बता। अब देखो यहाँ पे एक कोटेशन दिया गया है, मतलब एक बॉक्स बनाया गया है, टिक द सेंटेंस विद अबाउट द सोर्सेस, व्हाट द सेंटेंस अबाउट, वन नाइट वेन आई वॉज पेट्रोलिंग द सीट आई सो आई मैन वेटिंग इन द शैडो, एक दिन रात को जब मैं पेट्रोलिंग कर रहा था गली में तो मैंने देखा एक इंसान का छाया, शैडो यानी उसकी परछाई मैंने देखा, वो वेट कर रहा था। पीपल शुड बी लॉयल टू देयर फ्रेंड्स इवन देयर लॉयल्टी माइट बी, ये जो है आपको पता है वो हेनरी का जो स्टोरी है, बॉबर्ज जो अभी मैंने आपको कहा ना कि बॉब और जो स्टोरी है इन लोगों का, तो ये यहाँ पे बताया गया है, ड्यूटी ऑलवेज मोर इम्पोर्टेंट देन फ्रेंडशिप, ड्यूटी जो होता है वो फ्रेंडशिप से भी बढ़कर होता है। फॉर द सेंटेंस नॉट अबाउट द सोर्सेस व्हाट देयर इज अबाउट,
अब देखो एक्टिविटी सिक्स, टॉम एंड हिज फ्रेंड्स पेंटेड आंट पॉली फिंस ब्यूटीफुल देयर। टॉम और उसके दोस्त जो है आंट पॉली के फिंस बहुत ही अच्छे से पेंट किए हैं। देयर आर मेनी ब्यूटीफुल आर्ट्स इन इंडिया फॉर डेकोरेटिंग होम्स एज वेल। हम देखते हैं बहुत सारे जो चित्रकला है हमारे भारतवर्ष में है, उससे हम हमारे घर पे भी अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं। रंगोली इज वन पॉपुलर डेकोरेशन, इसमें से एक ऐसा अगर हम रिचुअल्स मानो, रिचुअल्स है अगर ये हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर है या हमारी एक आर्ट है जो हम हमारे घर में रंगोली बनाते हैं, है ना। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो हम लोग करते हैं। ऑन फेस्टिवल रंगोलीज आर मेड विथ मैनी सब्सटेंसेस एंड कलर्स टू वेल गॉड एंड गेस्ट। हम लोग बहुत अलग अलग कलर से घर पे रंगोली इसीलिए बनाते हैं ताकि जब हम रंगोली बनाएं उस रंगोली से हम लोग हमारे घर पे भगवान और हमारे जो भी गेस्ट आते हैं उसके क्या करते हैं, स्वागत करने के लिए। वर्क विथ अ पार्टनर ऑन ग्रुप इमेजिन द मोस्ट ब्यूटीफुल रंगोली ऑन द वर्ल्ड व्हाट वुड बी मेड फ्रॉम व्हाट शेप्स एंड कलर्स वुड बी यूज व्हाट मीनिंग माइट हैव। देखो नीचे बॉक्स पे आपको एक बहुत अच्छे रंगोली, कलरफुल रंगोली बना के मुझे देख के बताना है, ठीक है। शेयर योर एक्सप्लेनेशन विद योर क्लासमेट, और जो रंगोली बनाने में तुमको कैसा लगा वो तुम्हारा जो एक्सप्लेनेशन है तुम तुम्हारे क्लासमेट के साथ जो है वो फॉलो कर सकते हो। लिसन फॉर न्यू आइडियाज, अब जो है इसमें कुछ न्यू आइडियाज होते हैं। राइट वन आइडियाज यू हैड फ्रॉम द क्लासमेट, इसमें से जो एक आइडिया है तुम तुम्हारे जो है क्लासमेट से ले सकते हो। That you is interesting, जो उसमें तुमको इंटरेस्ट लगे। माई क्लासमेट नेम, मतलब तुम्हारे क्लासमेट का नाम, इसके नीचे जो ब्लैंक्स है ये तुमको फुल करना है और उसके ऊपर होमवर्क में ये रंगोली ड्रॉ करने का रहा, ठीक है, कलरफुल रंगोली। एक्टिविटी सेवन, अ समरी इज अ शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग दैट टेल्स द मेन आइडियाज ऑफ द ऑथर ऑफ अ सोर्स। One kind of summary is a natural summary. A natural summary tells the ideas of the sources, author without including any of the ideas or failing of the person writing the summary. ये summary ऐसा है जो short piece है writing का, जो हमको बताते हैं, main idea देते हैं जो author सोचे source का। एक अलग तरीका का एक समरी है जो नेचुरल समरी है। ये नेचुरल समरी जो है सच सोर्स है, जो ऑथर है वो उसके साथ इंक्लूड होते हैं आइडिया में, उसका जो फीलिंग वो पर्सन क्या राइटिंग करे उसके बारे में। फॉर एग्जांपल इफ यू राइट अ नेचुरल समरी अबाउट ओ हेनरी स्टोरी, एक एग्जांपल है कि तुम नेचुरल समरी दे रहे हो ओ हेनरी के मतलब स्टोरी के हिसाब से। आफ्टर 20 ईयर्स 20 साल बाद You should include O. Henry main idea. तो 20 साल बाद जो उसकी स्टोरी है जो बॉबर्ट जिन दोस्त उसके बारे में बहुत सारे आइडिया बन गए। नॉट योर, तुम्हारा नहीं है। वन वे टू चेक योर राइटिंग इज टू थिंक, तुम्हारा राइटिंग तुम चेक करो, तुम जो सोच रहे हो उसमें ऐड कर सकते हो। इफ O. Henry रीड माई समरी, अगर O. Henry ने मेरा समरी पढ़ा, समरी किसको पता है, पता है ना सारांश, कोई भी बहुत बड़े स्टोरी का छोटा सा अंश। वुड बी एग्री विद द वे, जो अगर तुम इसके साथ एग्री हो सकते हो तो आई एक्सप्रेस्ड इन मेन आइडिया, तो इसमें जो मेन आइडिया है आपको मिल जाएंगे। नेचुरल समरी इज वन कॉमन वे ऑफ राइटिंग अबाउट सोर्सेस, तो नेचुरल समरी है एक कॉमन वे से राइटिंग अबाउट सोर्सेस। व्हेन यू राइट अ गुड नेचुरल समरी यू आर डिस्क्राइबिंग समवन एल्स आइडिया, सो यू नीड टू रीड केयरफुली and understand the ideas of author before you write. अगर हम लोग जो अच्छे natural summary लिख सकते हैं तो उसमें कोई भी हमको और भी बहुत सारे ideas जो हम ढूंढ सकते हैं। तो तुमको जो है बहुत ही अच्छे से इसको समझना है और बहुत अच्छा idea देना है, जिस तुम लिखो उसके पहले आपको ये सोच लेना है। When you write about source, अगर आप लोग source के बारे में लिख रहे हो उसके बारे में, तो वुड द ऑथर एग्री विथ मी, जो ऑथर राइटर है वो मेरे साथ सहमत होना चाहिए। यहाँ पे देखो वो हिंदी का फोटो दिया है, ऑथर ऑफ द अफेक्ट।
sentence from their three different summaries. तीन अलग अलग summaries हैं. After 20 years by Henry, which sentence probably my natural summary? ये एक natural summary है. Which one you think that वो वो Henry would agree express his main idea? क्या तुमको ये लगता है? जो Henry वो अपने idea से सहमत है. After 20 years in a great story and it teaches very important lesson that I agree. After 20 years से बहुत अच्छी कहानी है और इसमें टीचर जो है हम लोगों को एक बहुत अच्छा लेसन सिखाया क्या कि फ्रेंडशिप से ज़्यादा जो होता है ड्यूटी अपना कर्तव्य पूरा होता है. बॉब और जो जो जिन थे उन दोनों की जो दोस्ती थी उनमें से उन लोगों जो उन्होंने दोस्ती नहीं देखी उसने हमने जॉब कोई पूरा ड्यूटी कोई महत्व दिया. वन शुड नेवर पुट फ्रेंडशिप अबाउट ड्यूटी. कभी भी हम लोग फ्रेंडशिप को नहीं पकड़ सकते ड्यूटी के बारे में. आई थिंक दैट वन मोस्ट ऑफ द व्हाट इज द दिस इवन इज द अनप्लेजेंट. मुझे ऐसा लगता है ये बहुत ही अच्छा ऐसा ये अनप्लेजेंट वन. द पुलिसमैन इन द स्टोरी स्टेसेस सुशियस फिंगर. जो पुलिसमैन होता है एक अजनबी के हिसाब से उसके सामने आते हैं. The story after 20 years has the typical O. Henry twist at the end. Last में जो O. Henry है बहुत ही अच्छा इसका जो story को खत्म किया है. In this one, one friend betrays another. इसमें पता जाता है कि एक दोस्त है दूसरे दोस्त को बिट्रे करते हैं मतलब धोखा देते हैं. The story begins with a conversation between a policeman and a man who is waiting outside a restaurant for a man he has not seen 20 years. ये कन्वर्सेशन एक पुलिसमैन और एक इंसान का है जो 20 साल वो जो है एक रेस्टोरेंट के बाहर उसके दोस्त के लिए एक इंसान की जो दोस्त उसके लिए इंतजार कर रहे हैं और जिसने 20 साल अपने दोस्त को नहीं देखा. दैट टू डिस्कस द फ्रेंड दैट द मैन इज वेटिंग फॉर. इसमें जो डिस्कस होता है उसके दोस्त के बारे में उसके लिए इंतजार करते पता चलता है. नाइदर द मैन नॉट द रीडर. ना यहाँ पे वो इंसान है ना वो रीडर है. नो दैट द पुलिसमैन इज हिमसेल्फ दैट मैन फ्रेंड. पुलिसमैन जो होते हैं वही दोस्त होता है. वो हिंदी राइट सम गुड स्टोरी. वो हिंदी बहुत अच्छे से कुछ गुड स्टोरीज भी लिखे हैं बट आफ्टर 20 इयर्स इज नॉट वन ऑफ देम. आफ्टर 21 इसमें से नहीं है. इन दिस वन अ गुड फ्रेंड वाज आफ्टर 20 इयर्स ओनली बी बिट्रेड बाय अनदर फ्रेंड. ये एक ऐसा स्टोरी है जिसमें एक दोस्त दूसरे दोस्त को धोखा देते हैं. द स्टोरी स्टार्ट्स एंड पुलिसमैन क्वेश्चन अ मैन सिट हु इज वेटिंग फॉर अ बस. ये कहानी वहाँ से शुरू होती है जहाँ पे पुलिसमैन पूछते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो. तो वो बताते हैं मेरे दोस्त के लिए इंतजार करता हूँ वहाँ से. द मैन कि वो इंसान जानता नहीं है तो पुलिसमैन को. द सेंटेंस दैट आर नॉट फ्रॉम नेचुरल समबडी एंड नॉट नेचुरल बिकॉज सो द समरी राइटर स्टार्ट द फीलिंग. अब जो समरी राइटिंग है उसने अपना फीलिंग लिखा है. अब देखो अंडरलाइन नंबर जो दिया है इसमें थॉट्स फीलिंग इन द विंटर माय क्लासमेट एंड डिफरेंट विंटर माय क्लासमेट एंड गोइंग इन दिस वे. नाउ आई एम लर्न इन द एक्टिविटी एड में आइडिया कुछ दिया गया है. एग्जाम्पल और एग्जाम्पल ये आपको नहीं करना है ठीक है. जहाँ तक मैंने एक्सप्लेन किया है वहाँ तक आपको मैंने रंगोली ड्रॉ करने के लिए दिया है और इसके साथ साथ मैंने इस मतलब आपके क्लासमेट्स के साथ वो एक्सपीरियंस को शेयर करना है. और दूसरा मैंने आप लोगों को ये बताया है कि ये जो आप लोगों ने डिजायर रिजेक्शन का मैंने आप लोगों को चैप्टर एक्सप्लेन किया तो इसमें आपको थोड़ा बहुत और कुछ ऐड करके एक स्टोरी मुझे लिख के बताना है ऑन वर्ड वर्ड. और इसमें देखो रिमेनिंग वाज रेफरेंस व्हेन वी आर राइटिंग समरी. लुक एट दिस एग्जांपल. समरी अगर लिखना हो तो हम लोगों को ये फॉलो करना चाहिए. मतलब पहले स्टोरी राइटर का जो है उसका बर्थडे फिर वो स्टोरी का नाम फिर उस स्टोरी को डिस्क्राइब कैसे कर रहा है यहाँ पे बताया गया है ठीक है बच्चों. पांच को मग में क्या रहा रंगोली ड्रॉ करके उसके बारे में लिखना है और अपने क्लासमेट को भी उसके बारे में अपने एक्सप्लेन शेयर करना है. और तीसरा जो एक्शन वाइज आपका जो चैप्टर वन है ये टॉम्स का जो है वाइज एक्शन का
ये आपको मुझे और भी थोड़ा सा कुछ सेंटेंस इंक्लूड करके ऑनवर्ड लिख के बताना है अपने होमवर्क में। तो आज का जो लेक्चर है यहीं पे ख़त्म हो रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जिसका दूसरा पार्ट है या मैं इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो टेक केयर योरसेल्फ, गुड बाय ऑल, स्टे सेफ, स्टे